स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे कि धनिया कंपनी की मक्का है DMH 8255। तो इन किसान भाई की हम बात सुनेंगे, मक्का कैसी है और इसका रिजल्ट कैसा है, और हम खरपतवार की एक दवाई आती है बायर कंपनी की लाउडिस, उसके बारे में भी जानेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। तो हम जानते हैं कि 8255, भाई साहब आपने ये 8255 कब लगाई है? ये हमने लगाई थी 18 जून को। 18 जून को, 18 मई को लगाई है। तो एक महीना हो गया है आपको इस मक्का की? और कौन सी ब्रांड की मक्का है ये? धानिया 8255। कौन सी, वापिस बोलिए आप। धानिया 8255। ये देखिए आप, ये थैली देखिए आप, 8255 की है। और ये मक्का देखिए आप, ये देखिए आप। और आपको इस मक्का में ऐसी क्या खासियत नजर आई है, और क्या पिछले साल भी आपने इसकी बुआई की थी? पिछले साल भी इसकी बुआई की थी, इसकी पैदावार अच्छी निकली। और इसकी हाइट कितनी रहती है? इसकी हाइट करीब करीब ये मान लो अपने सिर से थोड़ी सी ऊपर। जी हाँ, कुल मिला के हाइट कम रहती है जिससे गिरने की समस्या कम आती है। आड़ी नहीं पड़ती है। हाँ, और औसतन पैदावार कितनी देती है ये मक्का? ये देती है साहब 16 से लेकर 18 बोरी तक। 16 से 18 बोरी तक पैदावार देती है ये मक्का। देख लीजिए, DMH 8255 है और धनिया कंपनी की है, जो टाटा कंपनी का है। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त प्रोडक्ट खरपतवार का, जो मक्का के लिए आता है, बायर कंपनी का लाउडिस। अब पूछते हैं कि इन्होंने कब इसका स्प्रे किया और कितने दिन में रिजल्ट दिखाई दिया? जब मक्का कितने दिन की थी तब आपने इसका स्प्रे किया? ये मक्का 20 दिन की थी हुई और हमने इसपे स्प्रे किया। 20 दिन की मक्का होने के बाद हमने इस पर स्प्रे किया है। ये देखिए आप, कहीं पर भी खरपतवार नजर नहीं आ रही है। और रिजल्ट आप किसान भाई से ही सुनिए, रिजल्ट बताइए आप। रिजल्ट इसका तीसरे दिन ही मालूम पड़ेगा, तीसरे दिन बगजा बिल्कुल पीला पीला पड़ने लग गया। ये है इस बायर कंपनी के लाउडिस का रिजल्ट। ये देखिए आप, पूरे फील्ड में बता देता हूँ मैं आपको, एक भी खरपतवार नजर नहीं आ रही है और मक्का में शाइनिंग भी हो रही है थोड़ी बहुत अच्छी, ठीक है ना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।